ये कहानी एक बौद्ध भिक्षु की है जो कि एक लड़की के चक्कर में अपने पूरे जीवन की आध्यात्मिक कमाई को खत्म कर देता है। उसे सांसारिक मोहमाया अपनी तरफ खींचती है और वो अपने आध्यात्मिक जीवन का रास्ता भूलकर मोहमाया में पड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं ये बौद्ध भिक्षु क्या क्या कांड करता है। कहानी की शुरुआत में हम तिब्बत की ऊंची पहाड़ियों को देखते हैं जहाँ पर एक चरवाहा अपने भेड़ों को चरा रहा होता है। वहीं अपने शिकार के लिए एक बाज एक पत्थर उठाकर ताड़ाताड़ी कर रहा होता है कि तभी वो पत्थर एक भेड़ के सर पर गिरा देता है जिससे तुरंत उस भेड़ की मौत हो जाती है। वहीं पर हम एक बौद्ध भिक्षु के कबीले को देखते हैं जो कि अपनी यात्रा पर जा रहे थे। उन्हें वहां से लंबी यात्रा करके एक बौद्ध भिक्षु को जगाने जाना है जो 3 साल से समाधि पर बैठे हैं। उनका शरीर पूरा अकड़ चुका है, शरीर पर धूल जम चुकी है और बाल नाखून काफी बढ़ गए हैं। तभी एक भिक्षु उनके कान में बोलता है, तासु समाधि से उठने का वक्त हो गया है। तासु को नदी के किनारे लाया जाता है, उसके बाल और नाखून काटे जाते हैं और उन्हें नहलाया जाता है और नए कपड़े पहनाए जाते हैं। वहीं से आश्रम जाते समय तासु एक चट्टान को देखता है जिस पर लिखा होता है कि जल की एक बूंद को कैसे सूखने से रोका जा सकता है। तासु के वापस आने से सभी लोग बहुत खुश थे। 3 साल की समाधि की वजह से तासु का शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था। अभी उसे ठीक होने में थोड़ा समय और लगेगा और फिर वो चल फिर और बोल सकेगा। एक दिन उसी आश्रम में एक बच्चे का पिता उसे छोड़कर जाने लगता है जिस पर वो बच्चा बहुत रोता है क्योंकि उसे अभी अपने पिता के साथ घर पर जाना है। तभी तासु का दोस्त सोमन तासु से पूछता है कि जब तुम्हें यहाँ पर लाया गया था तो तुम भी रो रहे थे, लेकिन तासु को कुछ भी याद नहीं था क्योंकि जब से उसने आँख खोली है उसे कुछ भी याद नहीं था। थोड़े दिनों बाद यहाँ पर एक समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमे तासु का गुरु लामा तासु को एक उपाधि देते हैं। सबको मालूम है कि तासु का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इस समारोह में तासु का ध्यान एक औरत पर पड़ जाता है जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है और तासु अपनी नजर वहां से नहीं हटा पाता। ये देखकर उसके गुरु समझ जाते हैं और उसे वहां से आश्रम ले जाते हैं। जब ये बात लामा गुरु को पता चलती है तो तासु को पास के गांव में फसल कटाई के त्योहार में ले जाने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसे खुली हवा की जरूरत है। अगली सुबह वो सभी गाँव के एक जमींदार के घर पूजा करने के लिए जाते हैं। वहीं पूजा के वक्त चूड़ियों की आवाजों से तासु का मन बार बार भटकने लगता है और रात में उन सभी को यहीं पर ठहरना था। जब तासु सोने जाता है तो उसकी मुलाकात पेमा से होती है जो कि काफी खूबसूरत है। पेमा जमींदार की इकलौती लड़की है जिसे देखकर तासु इसका दीवाना हो जाता है और तासु की नजर उससे नहीं हट पाती। अगली सुबह सभी तैयारियां करते हैं और तासु का ध्यान अभी भी पेमा पर ही था। पेमा को देखकर लगता है कि ये भी तासु से भटाभट करवाना चाहती है। पास में खड़ा जामयांग ये सब नजारा देख रहा था जो पेमा का मंगेतर है। वहीं रात में तासु की सांसों की जोर जोर से आवाजें आ रही थी और ये आवाजें सुनकर सोमन उसके पास जाता है। तभी वो देखता है कि तासु का नाइटफॉल हो गया है, इसीलिए तासु तगड़ी सांसें ले रहा था। उसके मन में तो बस पेमा ही पेमा थी। सोमन ये देखकर रोने लगता है क्योंकि वो समझ चुका था कि उसका दोस्त रास्ता भटक चुका है और एक बौद्ध गुरु को ये शोभा नहीं देता। अगली सुबह तासु को देखकर सोमन उससे आंख नहीं मिला पाता। वहीं ये सब देखकर गुरु लामा समझ जाते हैं कि क्या माजरा है, इसीलिए वो तासु को बुलाकर एक नक्शा देते हैं और उसे आज शाम को वहीं पर जाने को कहते हैं। वहीं तासु के साथ उनके आश्रम का कुत्ता काला भी जाता है। शाम को तासु वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर उसे एक गुरु मिलते हैं जो उसे चित्रकारी के जरिए समझाते हैं कि ये शरीर खोखला है, इसके लिए तुम भक्ति मार्ग को मत छोड़ो, इसे एक दिन नष्ट हो जाना है और साथ में इससे जुड़े आनंद भी। मन पर काबू पाना सारी इच्छाओं से मुक्ति है, लेकिन तासु को अब तक लड़कियों का चस्का चढ़ गया था इसीलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब तासु आश्रम में जाता है और वो बताता है कि आपने ब्रह्मचार्य जीवन को परम संतुष्टि का मार्ग बताया है तो फिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ, मुझे लड़कियों के सपने क्यों आते हैं, इसको जाने बिना मैं इसका त्याग कैसे कर सकता हूँ। तो फिर लामा गुरु कहते हैं, तुम अपना रास्ता अब खुद चुन सकते हो। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो तासु अपना घोड़ा लेकर आश्रम से निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद तासु पीछे मुड़कर देखता है जो कि उसका घर था। अगली सुबह एक घाटी पर पहुंचकर तासु अपने वस्त्रों को उतारकर साधारण वस्त्र पहन लेता है। वहीं पर ये सब देखकर काला उसे भौंकने लगता है। शायद वो कहता है, अबे तू बौद्ध भिक्षु से क्या बनने जा रहा है और आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ये बोलकर काला वहां से भाग जाता है। गांव पहुंचकर तासु उसी जमींदार तेंजिम के यहां पर काम मांगने जाता है जहां तेंजिम उसे काम पर रख लेता है क्योंकि तेंजिम एक अच्छा आदमी था। अगली सुबह तासु बाकी मजदूरों की तरह काम करने लगता है। दोपहर में तेंजिम की बेटी खाना लेकर आती है जहां पर तेंजिम अपनी बेटी को
तासु के पास खाना खाने के लिए भेजता है। जब पेमा देखती है कि वो नया मजदूर तासु है तो वो दंग रह जाती है। पेमा पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तो तासु कहता है तुम्हारे लिए, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगी तो मैं कल सुबह होने से पहले यहाँ से चला जाऊंगा। शाम को पेमा तासु के पास जाती है क्योंकि वो भी तासु को पसंद करती थी, और फिर ये दोनों भटाभट 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 करते हैं। आधी रात को पेमा जब छुपकर अपने घर जा रही थी तो उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसके मुंह पर कालिक पोत देती है। आ गई बेटी मुंह काला करा के, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो नए मजदूर के साथ भटाभट 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 कर रही थी। पेमा के पिता और उसका मंगेतर दोनों मिलकर तासु को पेलने जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों उसे खूब मारते हैं। लेकिन तभी तेंजिम उसे पहचान लेता है और उसे घर पर लाकर उसकी मरहम पट्टी करता है। अब इन सबसे जामयांग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जामयांग और पेमा दोनों एक ही गांव के हैं और ये बचपन में साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। वहीं पर पेमा जामयांग को बताती है कि कल पंडित को बुलाया गया है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगले दिन पंडित ने आकर शादी की तारीख इसी महीने में रख दी, पर सभी लोग हैरान थे कि आखिर शादी किससे होनी है, जामयांग या फिर तासु से। पंडित कहता है और किससे होगी, तासु से ही होगी। कल रात जामयांग ने मुझे तासु और पेमा की शादी के बारे में बताया था। दरअसल जामयांग ने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी। जब पेमा उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तो जामयांग कहता है हमारी शादी तो तय थी, तो फिर पंडित को बुलाने की क्या जरूरत थी। साफ बोलती तुमको तासु से प्यार हो गया था। अगले दिन ढोल नगाड़ों के साथ पेमा और तासु की शादी हो जाती है और उनका जीवन खुशी खुशी बीतने लगता है। हर बार की तरह इस बार भी बिचौलिए फसल की कटाई के बाद उनके अनाजों को खरीदने आते हैं। वहीं पर नापतोल के दौरान तासु को कुछ गड़बड़ लगती है और जांचने पर पता लगता है कि उनका तराजू सही नहीं है, और इसी वजह से उनकी बहस छिड़ जाती है, जिसके कारण बिचौलिया अनाज को बिना खरीदे वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर तेंजिम तासु पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है तुमने उन्हें तो भगा दिया, लेकिन अब हमारा अनाज कौन खरीदेगा। तो तासु कहता है हम अपना अनाज खुद बाजार लेकर जाएंगे और वहां पर बेचेंगे। अगले दिन सफर के लिए प्रेग्नेंट पेमा तासु को खाने की पोटली देती है। सारा सामान ट्रक में लाद कर ये सभी तिब्बत के बाजार में चले जाते हैं और अपना सारा अनाज बेच देते हैं। पहले के मुकाबले आज इन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमाया और ये सब देखकर तेंजिम बहुत खुश था। घर आते टाइम इन्हें रास्ते में बिचौलिया मिलते हैं। वो इनसे कहते हैं कि तुमने मुझसे दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया, मैं सालों से तुम्हारा अनाज खरीदता आ रहा था और आज इस लड़के के कहने पर तुमने अपने तौर तरीके ही बदल दिए। उधर तासु के घर आते आते पेमा के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और उनके घर पर एक प्यारा सा लड़का जन्म लेता है जिसका नाम इन्होंने कर्मा रखा। एक दिन पेमा की सहेली सुजाता, जो कि एक मजदूर की बेटी है, तासु को वो एक नदी के किनारे नहाती हुई दिखाई देती है और वो उसे देखने के लिए तड़प उठता है और उसको देखता रहता है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और अब कर्मा 5 साल का हो गया था। हर बार की तरह इस बार भी जामयांग अपने अनाजों को उसी बिचौलियों को बेच रहा था, लेकिन तासु उसे रोकने की कोशिश करता है, इसीलिए इस बार भी बिचौलिए गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। इन सारी बातों से जामयांग तासु पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनना, मैं वही करूंगा जो मेरे पिता करते थे। उसी रात तासु की पकी पकाई फसल में कोई आग लगा देता है। फसल में आग लगते देख पूरा गांव मिलकर उसे बुझाने लगता है। आग बुझाते बुझाते सुबह हो जाती है, लेकिन अब सब कुछ जलकर राख हो गया था। वहीं गुस्से में तासु जामयांग पर शक करता है कि उसी ने ये आग लगाई होगी और वहीं पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जहां पर जामयांग कहता है कि ये आग मैंने नहीं लगाई। तो फिर अब तासु उसी बिचौलिए पर शक करता है। वो तुरंत घोड़ा लेकर उसी बिचौलिए के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर बिचौलिए के आदमी उसका बुरा हाल कर देते हैं। इसके बाद बिचौलिया कहता है ये सब काम हम नहीं करते। तभी वहां पर तेंजिम और पेमा भी तासु का पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाते हैं और वो तासु को लेकर घर आ जाते हैं। इन सब से तासु को बहुत चोट लग जाती है, इसीलिए बचा कुचा अनाज पेमा और तेंजिम बाजार में बेचने चले जाते हैं। तभी वहां पर पेमा की सहेली सुजाता अपनी मजदूरी का हिस्सा मांगने के लिए घर पर आती है, जहां पर तासु उसे देखकर रुक नहीं पाता और उसके साथ भटाभट 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 करने लगता है। जब पेमा वापस घर पर आती है तो उसे देखकर तासु उससे नजरें नहीं मिला पाता और वो अब बहुत परेशान हो जाता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी तासु के पास उसका दोस्त सोमन आता है। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। सोमन उसे बताता है कि अब हमारे बीच गुरु लामा नहीं रहे। जब उन्हें पता चलता है कि उनका समय आ गया है तो उन्होंने ये पत्र तुम्हें देने को कहा था, जिसमें लिखा था तासु मेरा समय आ गया है, पर मुझे नहीं पता कि मेरा काम अभी खत्म हुआ है या नहीं। मैं दोबारा इस संसार में जन्म लूंगा, मुझे यकीन है हमारी मुलाकात फिर होगी और मैं तुमसे पूछूंगा, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब होगा कि हजारों इच्छाएं संतुष्ट करना आसान है
या फिर एक पर विजय पाना, तुम्हारा गुरु लामा। ये पढ़कर तासु को लामा की बात मन ही मन में खाई जा रही थी और वो सारा सारा दिन सोचता रहता था। एक दिन वो रात को अपने घर से निकल जाता है। सुबह उसी नदी में उसने अपना गृहस्थ जीवन त्याग करके बौद्ध भिक्षु के कपड़े पहनकर जाने लगता है। रास्ते में उसे पेमा मिलती है और उससे कहती है, ऐसा कौन सा इंसान है जो रातों रात अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर चला जाता है। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे, ऐसा घटिया काम सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं और औरत कभी नहीं। बट ये बात तो गलत है, आज का जमाना तुमने देखा ही है। पेमा तासु से कहती है, तुमने मुझसे जितना प्यार किया है उतना प्यार अपने धर्म से किया होता तो अब तक तुम तो बौद्ध बन गए होते। उसके बाद पेमा वहाँ से चली जाती है और तासु अपनी इन हरकतों की वजह से रोने लगता है। जब उसके आंसू सूख गए तो उसे वही चट्टान दिखती है जिस पर लिखा होता है, जल की एक बूंद को सोखने से कैसे रोका जाए, और इसका जवाब चट्टान के पीछे लिखा था, उसे समुन्दर से मिल जाने दो फिर वो कभी नहीं सूखेगी। तभी तासु को आसमान में एक बाज चक्कर लगाते हुए दिखता है, जिसे देखकर वो सोचता है, काश वो बाज एक पत्थर उसके सिर पर भी गिरा दे और उसकी जिंदगी का अंत कर दे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इंसान की इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता, उन्हें हर चीज चाहिए जिससे उन्हें मजा मिलता है। धन, मोह, स्त्री, पराई स्त्री, भटाभट, इन्हीं सब में वो पूरी तरह से टूट कर बिखर जाता है और फिर चाहकर भी नहीं उठ पाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट करके जरूर बताना। इस मूवी का नाम है समसारा, जो कि साल 2001 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।